जय हिंद बच्चों, जय हिंद साथियों। मैं खुर्शीद सर, आपको मेरे साथ मेहनत करनी है। सभी बच्चे आ जाओ, लाइक करो, कमेंट करो, वीडियो शेयर भी कर दिया करो। बेटा बच्चों का नाम इसलिए नहीं लेते हैं कि अगर हम नाम पढ़ना शुरू कर देंगे तो थोड़ा समय लगेगा। एक मेरे ही भाई है, बहुत प्यारा राघवेंद, जो आए दिन शायरी मारता है और अच्छा पढ़ने में बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो बच्चों आ जाओ, जुड़ जाओ और सब लोग कमेंट में जय हिंद जरूर बोलो। सब लोग जय हिंद बोलो। आज का लेसन बहुत ही अच्छा लेसन है। आज का जो लेसन है वो डायरेक्शन है। डायरेक्शन, बस यहाँ पे मेहनत करनी है मेरे साथ डायरेक्शन पे। सभी लोग आ जाओ, लाइक कर दो सब लोग और कमेंट भी किया करो सब लोग। जय हिंद सब लोग बोलो, जय हिंद लिख दो सब लोग। टाइम बिल्कुल फिक्स टाइम पे आया करो। इसमें बात भी करता रहूँगा और बताऊँगा। आज का जो लेसन है डायरेक्शन है, बहुत ही प्यारा लेसन है। सारे एग्ज़ाम में आता है ये चीज़, याद रखना। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, कोई भी एग्ज़ाम ले लो, चाहे SSC ले लो, GD का तो एक क्वेश्चन कन्फर्म है, चाहे UPSI ले लो, और आपका कुछ जितना भी एग्ज़ाम होता है डायरेक्शन का एक क्वेश्चन आता भी है। डिफेंस के लोग याद रखो इस डायरेक्शन में कि आपका ये क्वेश्चन 100% फंसना है। आज आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से सिखाऊंगा डायरेक्शन। बस मेहनत करनी है आपको। मेहनत कर लेंगे तो ये चीज़ें नहीं होंगी आपके पास। और बहुत ही नॉर्मल बताऊँगा, इतना अच्छे से बता के चलूँगा डायरेक्शन में है क्या। कभी भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आए तो हमेशा कोई साइड दी जाए या ना दी जाए, कोई भी दिशा बोला जाए या ना बोला जाए, तो अपने अकॉर्डिंग सिर्फ दिशा को नहीं करते हैं। हमेशा याद रखना एक प्लस का निशान। कौन सा निशान? एक प्लस का निशान। और जिस डायरेक्शन में आप हो, बाहर की कोई दिशा नहीं, आप सिर्फ क्लासरूम में हो, जो डायरेक्शन आपकी हो, हमेशा याद रखो कि सामने हमारे नॉर्थ होता है। सामने क्या होता है? नॉर्थ। तो नॉर्थ के सामने क्या होगा? साउथ। अब साउथ तो राइट हैंड पे आपका ईस्ट और यहाँ पे वेस्ट। बोलो ये याद रहेगा? मेन डायरेक्शन का गेम यहीं पे है आपका। जिसने ये डायरेक्शन सीख रखा है अपनी लाइफ का प्लस का निशान, ये प्लस का निशान जिसने भी देख रखा, जिसने लाइफ में माइनस सोच रखा है, यानी उसका समय माइनस में है, अपने आप में माइनस निगेटिव पॉइंट दे दिया, तो गलत हो जाना है उसका। सिर्फ प्लस का निशान है, यानी पॉजिटिव सोचना है, निगेटिव नहीं सोचना है। डायरेक्शन का क्वेश्चन नॉर्मली तरीके से बताऊंगा। और 7 टाइप का क्वेश्चन होता है डायरेक्शन। कितने टाइप का? 7 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। 7 टाइप, ये भी याद रखना बच्चों कि 7 टाइप होते हैं डायरेक्शन में। आपको डायरेक्शन की शुरुआत कर रहा हूँ आज। पेन ले लो, कॉपी ले लो और मेरे साथ जुड़ जाओ। फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, नाम इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि अगर सबका नाम पढ़ना शुरू कर दूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपको बस मेरे साथ मेहनत करनी है। नाम भी लूँगा, जो क्वेश्चन अच्छे अच्छे करते हो नाम भी लूँगा। कल बच्चों ने बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन किए हैं। एक बात और बेटा, जो क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं आपको, आपकी मेहनत के लिए छोड़ रहे हैं। आप मेहनत करो और उसमें लगाओ। नहीं लगता है तो हम क्लास में मिलेंगे और हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे लगाना है। ठीक है बेटा, मेहनत करो। क्वेश्चन इसीलिए छोड़ देते हैं कि आप मेहनत करोगे फिर पूछोगे। अगर मैं सारी मेहनत यहाँ पे कर दूंगा ना तो आप समझदार इंसान हो। 4 मेरी मेन डायरेक्शन है और इसी 4 की सेम सेकेंड डायरेक्शन है, वो भी जरा ध्यान रखो। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ भाई, बना दिया हूँ, अच्छे से इसको सीख लेना है। नॉर्थ ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? नॉर्थ ईस्ट। जो ईस्ट और साउथ के बीच की डायरेक्शन होगी वो साउथ ईस्ट होगी। साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन होगी वो साउथ वेस्ट होगी। नॉर्थ और वेस्ट की डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ वेस्ट होगी। ये बीच की डायरेक्शन है। जिन्होंने इसको सीख रखा है वो बहुत आसानी से क्वेश्चन कर देंगे। फिर से बोल के चल रहा हूँ, अपनी पेन उठा लो और अपना कॉपी उठा लो। देखो ये प्लस का निशान है, सामने नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है हमारा और ये ईस्ट है। बस इन दो असाइनमेंट से, यानी ये सिंबल से और इस सिंबल से पूरा डायरेक्शन चाहे ख़त्म कर सकते हैं। सब लोग बेटा आ जाओ, सब लोग आ जाओ, सब लोग। लेसन की शुरुआत हो गई है और लेट मत हुआ करो। 8 PM पे हर हाल में आ जाया करो। देखो कि आपके सर मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करोगे। बस यहाँ सिखा रहा हूँ वही बातें आपको सीखनी है। पहले बेस सीख लो, फिर बेस में देखो क्वेश्चन कितने अच्छे अच्छे आज कराता हूँ।
और मात्र आप बैठे बैठे क्वेश्चन करोगे, पेन भी नहीं चला सकते हो, कॉपी भी नहीं चला सकते हो, सिर्फ मेरे साथ मेहनत करो। नॉर्थ के सामने क्या होता बेटा? साउथ। नॉर्थ के सामने साउथ, ईस्ट के सामने वेस्ट। मेरे साथ बोल भी लिया करो, नॉर्थ के सामने साउथ, ईस्ट के सामने वेस्ट, वेस्ट के सामने ईस्ट, नॉर्थ के सामने साउथ, साउथ के सामने ईस्ट। बोलो ये चीज़ याद रहेगी, आमने सामने की दिशा। अब देखो इधर, नॉर्थ ईस्ट के सामने क्या है? साउथ वेस्ट। बेटा इसको याद करो, नॉर्थ ईस्ट के सामने साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट के सामने साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट के सामने नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट के सामने साउथ वेस्ट। बस यहाँ पे जिसने मेहनत कर रखा है आज, वो तो अपना सफल कर लेगा, यानी उसको क्वेश्चन बहुत जल्दी लगाना आ जाएंगे। क्वेश्चन को जरूरी नहीं है कि डायग्राम बनाए तभी लगे, ग्राफ बनाए तभी लगे। आप अगर ऐसे ही सीखते हो तो यहीं पे ऐसे ही क्वेश्चन आ जाना है, बहुत आराम से आ जाना होता है। अब इधर एक बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दे दो, जब तक आप ये चीज़ सीख लेंगे फिर आपको क्वेश्चन लगाने में बहुत आनंद आएगा। जब तक ये चीज़ नहीं सीख पाएंगे तो क्वेश्चन फिर लगता है, डायग्राम बनाते हैं उसके बाद समय लगता है। जो काम आप एक मिनट में करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व करते हैं, अगर वही काम आपका 3 सेकेंड में क्वेश्चन लग जाए फिर कहने वाली बात ही क्या होती है। सिर्फ मात्र 3 सेकेंड में क्वेश्चन जितना पढ़ो उतना ही काम हो जाए, क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, बात करेंगे 1 मिनट की और 3 सेकेंड की भी। आज आपको सिखा देंगे डायरेक्शन बेटा। क्या सिखा देंगे? डायरेक्शन। बेटा मेहनत करो, सर लोग सब आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, GT और UPSI और लेखपाल, SSC 10+2 CGL, इस पर थोड़ा ध्यान दो। जो लोग पढ़ते हैं, डायरेक्शन लेसन है, मेहनत करना है। अब यहाँ की बात ध्यान रखना है, जो मैं आगे बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। अच्छा यहाँ ध्यान दे देना, मैं सीधा आपके जस्ट अपोजिट खड़ा हो गया हूँ, ये मेरा हेड है और ये मेरा हैंड है, ये भी मेरा हैंड है, याद रहेगा बेटा। अब आप सबका मुख नॉर्थ की ओर है, किधर है? नॉर्थ की ओर सबका फेस है, नॉर्थ की ओर है। तो आप लोगों का राइट हैंड ये है, लेफ्ट हैंड ये है, बोलो। तो इधर अगर ईस्ट में जाएंगे तो कौन सा हैंड? राइट हैंड। ये कौन सा हैंड? लेफ्ट हैंड। यहीं पे आपको सिखा दूंगा आज ओरल कैसे क्वेश्चन किया जाता है। अभी तक तो क्लास में नहीं बताता हूँ, क्यों नहीं बताता हूँ? आप लोग लिखना ज़्यादा पसंद करते हो इसलिए। आज ओरल की बात करूँगा। कोई भी व्यक्ति अगर ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा है तो उसका राइट हैंड साउथ में होगा और लेफ्ट हैंड नॉर्थ में होगा। कोई भी व्यक्ति अगर साउथ में फेस करके खड़ा है, अब फेस उसका क्या होगा? जस्ट हमारे अपोजिट हो गया। अब अपोजिट हो गया तो राइट हैंड मेरा इधर हो गया, यानी वेस्ट में, और लेफ्ट हैंड हो गया ईस्ट में। बोलो लेफ्ट हैंड ये हो गया, राइट हैंड ये हो गया। अब यहीं पे आपको एक नई बात और सिखाऊंगा। कोई भी इंसान अगर वेस्ट की तरफ फेस करके खड़ा है तो उसका राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड यानी साउथ में, याद रहेगा। यहीं पे आपको सीखना है, और यहाँ पे जब आप सीख जाएंगे तो फिर आप समझ लो कितना अच्छा आप करते। फिर से प्लस का निशान बना दिया हूँ। किसका निशान बना दिया हूँ? प्लस का। अगर देखा जाए मेरी घड़ी की सुइयाँ यहीं पर तो होती हैं, बोलो घड़ी की सुइयाँ यहीं पर तो होती हैं। अगर हम लोग घड़ी की दिशा में चलते हैं, मतलब घड़ी की दिशा में चलेंगे तो घड़ी की सुइयाँ यूँ चलेंगी ना, तो घड़ी की दिशा में चलेंगे तो उसको बोलते हैं क्लॉक वाइज। क्या बोलते हैं? क्लॉक वाइज। अगर घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हैं, कैसा? घड़ी विपरीत दिशा में, तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉक वाइज। क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉक वाइज। बस यहाँ पर ध्यान दे देना है, अगर हम घड़ी की दिशा में चलते हैं यानी दक्षिणावर्त चलते हैं, क्लॉक वाइज चलते हैं, तो राइट हैंड हमारा ये हो जाता है। सिर्फ क्लॉक वाइज से याद रखना, क्लॉक वाइज से, दक्षिणावर्त क्लॉक वाइज, दक्षिणावर्त मतलब क्या हो गया? क्लॉक वाइज राइट हैंड। फिर से देखो, अगर घड़ी की दिशा में चल रहे हैं तो ईस्ट में जो फेस करेगा उसका राइट हैंड कहाँ होगा? फिर घड़ी की दिशा में चल रहे हैं, यहाँ पे साउथ है तो उसका राइट हैंड कहाँ हो गया? फिर घड़ी की दिशा में चल रहे हैं, यहाँ पे वेस्ट है, वेस्ट की ओर कोई फेस किए है तो उसका राइट हैंड क्या हो गया? सिर्फ हमने क्लॉक वाइज ही तो देखा है, सिर्फ क्लॉक वाइज। बोलो बेटा याद रहेगा? क्लॉक वाइज। अगर हम यहीं पर एक चीज़ और सिखा रहे हैं उसको ज़रा ध्यान दे दो, अगर ये चीज़ जिसने भी सीख रखा है वो बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर लेगा। देखो फिर से प्लस का निशान लगा रहा हूँ। अब ये चाहे सर्कल मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, अगर इस दिशा में घूमूंगा तो कैसा? क्लॉकवाइज। इस दिशा में घूमूंगा तो कैसा? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वामावर्त। कैसा? वामावर्त। अब ध्यान दे दो बेटा, कोई भी व्यक्ति
नॉर्थ में फेस करके खड़ा है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है मतलब दाहिने हाथ बायां हाथ मतलब बामावर, तो एंटी क्लॉकवाइज चला, कितना एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है अब ये डिग्री डिपेंड करता है, तो एंटी क्लॉकवाइज चलना मतलब लेफ्ट हैंड। यहाँ साउथ में कोई व्यक्ति फेस किए है एंटी क्लॉकवाइज चलेगा मतलब लेफ्ट हैंड, और यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति है एंटी क्लॉकवाइज चलेगा मतलब लेफ्ट हैंड, अगर कोई व्यक्ति वेस्ट ईस्ट की तरफ फेस किए एंटी क्लॉकवाइज चलेगा मतलब लेफ्ट हैंड। अब मैं एक बात यहाँ लिखा रहा हूँ, आज बिल्कुल नई बात बता रहा हूँ, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अगर जो व्यक्ति क्लॉकवाइज चलेगा तो दक्षिणावर्त यानी दायां, क्लॉकवाइज राइट हैंड, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट हैंड, क्लॉकवाइज राइट हैंड, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट हैंड, बोलो याद रहेगा बच्चों? इसी चीज से सारे क्वेश्चन करवा सकता हूँ, क्लॉकवाइज राइट हैंड, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट हैंड, बोलो याद रहेगा? ये नया बिल्कुल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, बिल्कुल नया, क्लास में नहीं दिया हूँ बेटा, बिल्कुल नया दे रहा हूँ, मेहनत करनी है आपके साथ में। अब देखो थोड़ा और आगे बढ़ रहा हूँ, थोड़ा और आगे बढ़ रहा हूँ, इधर ध्यान दे देना जरा, इस वाले मेन है और ये मेरी उपमेन है यानी सेम है, यहाँ पे क्या है हमारा नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट और ये हमारा साउथ ईस्ट, अब बोलो बेटा यहाँ पे साउथ वेस्ट, बोलो याद रहेगा? साउथ वेस्ट। अब ध्यान दे दो जरा यहाँ पे, अगर कोई भी व्यक्ति क्लॉकवाइज चल रहा है, कैसा चल रहा है? क्लॉकवाइज चल रहा है, तो कौन सी दिशा? किसी भी व्यक्ति का फेस अगर नहीं बोला जाता है, मैं बोला हूँ नॉर्थ में, कैसा है? नॉर्थ में, तो उसका राइट हैंड यानी क्लॉकवाइज दायां, एंटी क्लॉकवाइज बायां, क्लॉकवाइज राइट हैंड है, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट हैंड है, याद रहेगा? अगर मैं ऐसे ही बोल दूँ कि कोई भी व्यक्ति फेस किए है ईस्ट में, एक व्यक्ति है और उसका जो मुख है वो पूर्व दिशा में है, तो उसके राइट हैंड पे यानी क्लॉकवाइज राइट हैंड पे कौन सी दिशा है? साउथ ईस्ट। अगर वो 45 डिग्री घूम रहा है, कितना डिग्री? 45 डिग्री। अगर वो 90 डिग्री घूम रहा है तो कौन सी साउथ? साउथ हो गया। ये क्या होता है साउथ के सामने? नॉर्थ। यहाँ पे ईस्ट, ईस्ट के सामने वेस्ट। जैसा आप अपने एक अपने मान लो अपने इंडिया का नक्शा मान लो, अपने इंडिया का मैप, अब मैप में हमेशा नॉर्थ ऊपर होता है, ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है, सॉरी बेस्ट हमारा इस तरफ होगा, ईस्ट इस तरफ, कॉपी की बात कर रहा हूँ, नॉर्थ सामने होता है कॉपी में, नॉर्थ ऊपर होता है और साउथ नीचे होता है, और जिधर हम इंड करते हैं लिखना वो ईस्ट और ये बेस्ट। यहाँ पे जिसने ध्यान दे दिया वो आराम से क्वेश्चन कर ले जाएगा, ठीक है। अब बात करता हूँ थोड़े और आगे की, जैसे एक घड़ी में ये भी सिखा दें भाई, ये देखो ये घड़ी है, ग्राफ नहीं बनाना होता है, या ये सर्कल है, ये सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। कैसा? 360। यहाँ पे हमारा 12 ओ क्लॉक होता है बेटा, 12 ओ क्लॉक। अगर हम राइट हैंड यानी क्लॉकवाइज कैसा चल रहे हैं? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो मतलब कैसा चल रहे हैं? राइट हैंड पे चल रहे हैं, और राइट हैंड पे अगर ये डॉट डॉट लगा दें तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री होता है? 45। ये पूरा कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। अगर यहाँ से भी और हम आते हैं इसका हाफ कर देते हैं तो ये डिग्री कितना जाता है बेटा? 135 डिग्री। कहाँ से? इस पॉइंट से, इतना एंगल। अभी एंगल के भी बारे में बात करूँगा कि इतना एंगल, जैसे मैं यहाँ से एक डायरेक्शन ले लूँ, इतना बना दूँ, ये दिखा दूँ, और ये डिग्री बन रहा है हमारा 45 डिग्री, तो ये कौन सी दिशा हो जाती है? ये दिशा कौन सी हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट। बेटा बनाते रहो मेरे साथ, लिखते भी रहो, बनाते रहो और मेरे साथ लिखो भी, जब लिखोगे तब आपका और आसानी से हो जाएगा। जैसे इसी डायरेक्शन में एक चीज़ और ले रहा हूँ, इतना हमने दिखा दिया, कितना? ये डिग्री दिखा दिया, और ये डिग्री दिखा दिया 135 डिग्री, तो अब बोल रहा हूँ कि ये दिशा कौन सी हो रही है? तो ये दिशा आप लोग क्या बोलोगे? कि साउथ ईस्ट हो रही है सर। क्या हो रही है? साउथ ईस्ट। अच्छा, यहीं पे तो हमने देखा 12 ओ क्लॉक है, क्लॉक वाइज मतलब राइट हैंड, और राइट हैंड तो ये दिशा, सीधा सीधा बोल लो ये दिशा क्या है? नॉर्थ ईस्ट। बोलो क्या है? नॉर्थ ईस्ट। अब तो बेटा याद रहेगा, एक सीधी लाइन कितने डिग्री की होती है? वन लाइन, सिंपल लाइन 180 डिग्री की होती है। अगर फिर से बोल रहा हूँ यहाँ पे ओवरऑल आंसर कैसे करना है, क्लॉक वाइज राइट हैंड, एंटी क्लॉक वाइज लेफ्ट हैंड, यहीं से सारी दिशाएं निकलने लगेंगी, ठीक है। क्वेश्चन अब ले रहे हैं बेटा एक आराम, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं और नया टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं,
देखना सीखना है। एक व्यक्ति नॉर्थ की ओर फेस करके खड़ा है, किधर खड़ा है? नॉर्थ की ओर फेस करके खड़ा है। वह पहले राइट हैंड जाता है, फिर लेफ्ट हैंड चलता है, फिर राइट हैंड जाता है, फिर लेफ्ट हैंड चलता है, फिर राइट हैंड जाता है। इतना तो वो चल गया। फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन जरा ध्यान दो। ए मैन फेस नाउ, ही टर्न राइट, ही अगेंस्ट टर्न लेफ्ट, ही टर्न राइट, ही टर्न लेफ्ट, फिर ही टर्न, यानी फाइनली टर्न राइट। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो डायग्राम नहीं बनाना है आपको, बस मेरे साथ सीखना है, आज नया कॉन्सेप्ट सीखना है। देखो, एक व्यक्ति, फिर से क्वेश्चन बोल रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर एक दे रहा हूँ। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, वह अपने दाएं मुड़ता है, फिर वह अपने बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, और अंत में फिर दाईं ओर मुड़ता है। अब उसकी दिशा, यानी अब वह किस दिशा में जा रहा है, या अब उसका मुख किस दिशा में है? ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए, यूनिट ना बोला गया हो, क्या चीज़ यूनिट ना बोली गई हो, तो बेटा याद रखना, लेफ्ट राइट कैंसिल कर देंगे। क्या आया लास्ट टाइम पे हमारे पास? राइट। और देख किधर रहा है वो? नॉर्थ में। नॉर्थ में जब देख रहा है तो वो राइट हैंड में पहुंचा, यानी क्लॉकवाइज, तो उसकी दिशा क्या हो गई बेटा? ईस्ट हो गई। क्या हो गई? ईस्ट डायरेक्शन हो गई। बोलो, एक व्यक्ति नॉर्थ में है, अब क्वेश्चन लगा रहा शुरू कर रहा हूं। एक व्यक्ति नॉर्थ में है, राइट हैंड चला, डिस्टेंस यहां पे नहीं दी गई है, फिर वो अपने राइट होता है। अब उसका राइट कहां है? सॉरी, यहां ध्यान दो, एक क्वेश्चन फिर से इसको बता रहा हूं, कैसे जल्दी करना है। कॉन्सेप्ट ये जरूर याद रखना कि राइट और लेफ्ट मिल जाए तो कैंसिल, राइट राइट मिल जाए तो आप समझ जाओ कितना डिग्री चलना है। अभी बताऊंगा वैसा भी क्वेश्चन, नया है बिल्कुल, थोड़ा सीखने की कोशिश करो। एक व्यक्ति नॉर्थ में जाता है, कुछ दूर नॉर्थ की ओर फेस ही करके खड़ा है, और वो अपने राइट हैंड गया, मतलब राइट हैंड ये है, फिर वो अपने राइट लेफ्ट हैंड जाता है, लेफ्ट हैंड कहाँ? यहाँ पे। बोलो, लेफ्ट हैंड उसका कहाँ होगा? ऊपर। फिर वो अपने राइट गया, राइट चला गया, फिर वो अपने लेफ्ट जाता है, उसको लेफ्ट चला दो, कोई भी डिस्टेंस चलाओ, फिर वो अंत में राइट में मुड़ जाता है, तो ये राइट, ये दिशा कौन सी हो जाती है? ईस्ट हो जाती है बच्चा। कौन सी हो जाती है? ईस्ट। बोलो, ये डायरेक्शन बनाने की जरूरत है कि ऐसे ही करेंगे आप क्वेश्चन? बोलो, ऐसे करेंगे या ये क्वेश्चन बनाने की जरूरत है? ऐसे ही कर देना है क्वेश्चन। चलो, एक क्वेश्चन और अगला ले रहा हूँ बेटा, इसको देख लो, लिख लो भाई, और यहाँ पे क्वेश्चन जरूर लिखा करो, कि क्वेश्चन लिखोगे तभी आपका जल्दी होने लगेगा। अभी और बताऊंगा, यूनिट पे भी क्वेश्चन कराऊंगा। देख लो इधर, ये फिर से एक क्वेश्चन बार रिपीट कर रहा हूँ। एक व्यक्ति नॉर्थ की ओर फेस करके खड़ा है, वह अपने राइट हैंड मुड़ता है, फिर लेफ्ट हैंड मुड़ता है, फिर राइट हैंड मुड़ता है, फिर लेफ्ट हैंड मुड़ता है, और अंत में एक बार फिर राइट हैंड मुड़ जाता है। तो लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, यानी जब भी अपोजिट डायरेक्शन मिले कैंसिल कर देना। आया क्या हमारे पास है? राइट। तो आंसर, नॉर्थ के राइट में कौन सी साइड होती है? नॉर्थ के राइट में हमेशा ईस्ट होता है। बोलो बच्चा, होता है कि नहीं ईस्ट? बोलो बच्चों, एक नया दे रहा हूँ, अगला दे रहा हूँ क्वेश्चन, जरा यहाँ ध्यान दे देना। एक व्यक्ति साउथ की ओर फेस करके खड़ा है, सेम क्वेश्चन ऐसे ही लगाना है। एक व्यक्ति साउथ की ओर फेस करके खड़ा है, वह अपने राइट हैंड कुछ दूर चलता है, फिर राइट हैंड कुछ दूर चलता है, फिर लेफ्ट हैंड चलता है, और फिर लेफ्ट हैंड चलता है, फिर राइट हैंड चलता है, फिर क्या चलता है? राइट हैंड। पहले दो बार राइट जाता है, फिर दो बार लेफ्ट जाता है, और फिर अंत में एक बार राइट और होता है, यानी दाहिने जाता है। क्वेश्चन सुन लो, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर फेस करके खड़ा है, यानी दक्षिण जस्ट हम अपोजिट हो गए आपके। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर फेस करके खड़ा है, वह अपने दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, और फिर कहाँ मुड़ता है? अंत में दाईं ओर मुड़ता है। अब उसकी डायरेक्शन ज्ञात करनी है कि अब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। तो देखो, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, क्या आंसर आया हमारे पास? राइट। साउथ का राइट हैंड किस दिशा में होता है? वेस्ट में होता है बच्चे। कहाँ होता है? बेस्ट। बोलो, होता कि नहीं होता है? अभी आपको लेफ्ट राइट बिल्कुल सिखाया है। ऐसे क्वेश्चन अब एसएससी जीडी और डिफेंस के लिए तैयार हो जाओ भाई, एसएससी जीडी और डिफेंस के लिए बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन फंसाऊंगा, सेम ऐसा ही क्वेश्चन फंसाऊंगा। एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, अच्छा देखिए कितना लोग कर देंगे भाई।
बहुत नॉर्मल कर ले रहा हूँ क्वेश्चन, एक व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट की ओर फेस करके खड़ा है। बेटा लोग लिखना शुरू कर दो और नहीं तो मेरे हैंडराइटिंग की तरीके से लो। एक व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट की ओर फेस करके खड़ा है, मतलब एक व्यक्ति उत्तर पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है। वह अपने बाएं मुड़ता है यानी लेफ्ट हैंड मुड़ता है, फिर वह अपने दाएं मुड़ता है, फिर वह अपने बाएं मुड़ता है, फिर वह अपने दाएं मुड़ता है, फिर वह अपने बाएं मुड़ता है। यहीं पे बस ध्यान दे देना है, यहाँ पे ध्यान दे देना है। फिर से बोल रहा हूँ, एक व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में फेस करके खड़ा है, वह लेफ्ट हैंड टर्न होता है, फिर राइट हैंड टर्न होता है, फिर लेफ्ट हैंड टर्न होता है, फिर राइट हैंड टर्न होता है, फिर लेफ्ट हैंड टर्न होता है। बोलो बच्चों, आएगा ना आंसर? देना शुरू कर दो, अब तो इसका आंसर दे दो प्यारे बच्चों। देखो लेफ्ट राइट कैंसिल कितना आ गया, लेफ्ट। और लेफ्ट का मतलब क्या सिखाए थे? एंटी क्लॉकवाइज। क्या चीज? एंटी क्लॉकवाइज। बोलो लेफ्ट का मतलब सिखाए थे एंटी क्लॉकवाइज, राइट का मतलब क्लॉकवाइज। अब ये है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? बोलो प्यारे बच्चों, नॉर्थ ईस्ट का एंटी क्लॉकवाइज, अब एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री अगर घूम रहा है, 90 डिग्री अगर घूम रहा है तो क्या, कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? देखो बेटा, नॉर्थ वेस्ट। कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? नॉर्थ वेस्ट। हाँ बेटा, नॉर्थ भी आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना एंटी डिग्री, 90 डिग्री क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। अब एक बात और यहीं पे बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सीख लेना है, बस समझ जाएंगे कि आप लोग हमारा काम कर दे देंगे, यानी सीखेंगे, यानी आप मेहनत करेंगे अब मेरे साथ में। नया कॉन्सेप्ट इसीलिए बताया हूँ आपको, क्योंकि आप मेहनत करना सीखो मेरे साथ। मेहनत करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे, मेहनत नहीं करोगे कि ये क्वेश्चन नया करवा रहे हैं, अभी यूनिट वाले बिल्कुल करवाएंगे। बेटा देखो, नहीं आ रहा होगा समझ में, इधर ध्यान दो। अगर बोला जाए क्लॉकवाइज, क्या बोल दिया जाए? क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो मतलब कितना चलना है? राइट हैंड पे चलना है। अगर बोल दिया जाए एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो मतलब कितना चलना है? लेफ्ट हैंड चलना है। लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड मतलब दायां, और ये लेफ्ट हैंड मतलब बायां। अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, फिर यूनिट के क्वेश्चन दिखाऊंगा, फिर कॉलिंग वाले क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है? वहाँ पे भी आपको मेहनत करनी है, डायरेक्शन नहीं बनानी है। डायरेक्शन बनाओ तो बताओ, थोड़ा समय दे दो। मैं बोला हूँ ना, हर दिन कुछ नया होगा आपके लिए, हर दिन कुछ नया होगा आपके लिए जब आप मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं। हर दिन नया दूंगा कुछ ना कुछ, ठीक है? अब देखो जरा, एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ। एक व्यक्ति साउथ वेस्ट में फेस करके खड़ा है। कहाँ उसका फेस है? साउथ वेस्ट। डायरेक्शन को पहले समझ लो, जो डायरेक्शन मैंने यहाँ पे बनाया, एक बार बना भी देता हूँ। एक व्यक्ति कहाँ है? ये है साउथ ईस्ट, और ये है आपका साउथ वेस्ट, ये है नॉर्थ वेस्ट, और ये है आपका नॉर्थ ईस्ट। अब जरा प्यारे बच्चों इधर ध्यान दो, एक व्यक्ति साउथ ईस्ट में फेस करके खड़ा है। कितना खड़ा, कब खड़ा है? साउथ ईस्ट में फेस करके खड़ा है। एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, वह अपने दाएं मुड़ता है, फिर वह अपने दाएं मुड़ता है, एक बार फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ता है। अब ध्यान दो बेटा इधर जरा, इतना ही स्टेप बोला हूँ। एक व्यक्ति साउथ ईस्ट में फेस करके खड़ा है, वह अपने दाएं जाता है यानी राइट हैंड मुड़ता है, फिर राइट हैंड मुड़ता है, फिर लेफ्ट हैंड मुड़ता है, फिर राइट हैंड मुड़ता है। अब यहीं पे देख लो, अब उसका मुख किस दिशा में होगा? अब उसका मुख किस दिशा में होगा? बड़ा ध्यान से सीखो भाई। लेफ्ट राइट कैंसिल, लेफ्ट राइट कैंसिल, क्या आया है? राइट हैंड। क्या आया है? राइट हैंड। और हमने अभी बताया था कि राइट हैंड को क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज दो बार राइट हैंड हो रहा है। कितनी बार राइट हैंड हो रहा है? दो बार, यानी दो बार 90 डिग्री हो रहा है। बोलो 90 डिग्री दो बार हो रहा कि नहीं हो रहा? तो कितना डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री। बोलो हो जाएगा? कम आ रहा होगा समझ में, क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट आपको दिखा रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अपने ही रूटीन पे आ रहे हैं प्यारे बच्चों। अब देखो इधर, लेफ्ट राइट कैंसिल, दो बार राइट आया, एक बार क्लॉकवाइज होता है। राइट कितना डिग्री? 90 डिग्री। दो बार होगा कितना? 180 डिग्री। साउथ ईस्ट कहाँ फेस करके खड़ा था? साउथ ईस्ट पे फेस करके खड़ा था, तो यहाँ पे वो 90 डिग्री चला, फिर 90 डिग्री चला, क्लॉकवाइज चल रहा है, क्योंकि राइट हैंड का मतलब क्या सिखाए हैं? क्लॉकवाइज। अब देख लो, यहाँ पे कोई व्यक्ति था, अब उसका मुख किस दिशा में हो गया? नॉर्थ ईस्ट में। बोलो बेटा क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट में। अब कुछ समझ में आया? अब इस पे क्वेश्चन होंगे, फिर से बोल रहा हूँ, क्लॉकवाइज राइट हैंड, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट हैंड। तैयार हो जाओ बेटा, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपका। एक व्यक्ति का मुख वेस्ट में है, एक व्यक्ति का मुख वेस्ट में है,
वह एक व्यक्ति का मुख जो है वो वेस्ट में है, वो लेफ्ट हैंड जाता है, फिर एक बार लेफ्ट हैंड जाता है, फिर एक बार राइट हैंड जाता है, फिर राइट हैंड जाता है, और फिर अंत में भी राइट हैंड जाता है। फिर से सुन लो, एक व्यक्ति का मुख पश्चिम में है, एक व्यक्ति का मुख पश्चिम में है, फिर वह बाएं चलता है, फिर से बाएं जाता है, और तीन टाइम वो अपने राइट मुड़ता है, यानी तीन बार वो अपने दाहिने मुड़ता है। तो एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल, एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल, क्या आ गया है? राइट। क्या आ गया? राइट। एक व्यक्ति का फेस है किस तरफ? ईस्ट में। बोलो किधर है? ईस्ट में। अब फेस ईस्ट में है और आंसर आ रहा है राइट, तो राइट का मतलब क्लॉकवाइज, राइट का मतलब क्लॉकवाइज, और राइट का जब मतलब क्लॉकवाइज है तो वेस्ट में है, तो उसका आंसर क्या होगा क्लॉकवाइज में? नॉर्थ। क्या होगा? नॉर्थ। अब तो बेटा सीख गए होगे, अब थोड़े हम अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि क्वेश्चन क्या करना है। बोलो आया है? ठीक है, मेहनत करो बेटा, थोड़ी सी मेहनत कर लो मेरे साथ में, मेहनत कर लो, आपको ये क्वेश्चन लगने शुरू हो जाएंगे। आज मेहनत से सीख लो डायरेक्शन को। देखो अंगला टाइप दे रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट कार्ड वाई नॉर्थ, समझ गए ना क्वेश्चन को? नॉर्थ ईस्ट कार्ड वाई नॉर्थ, यानी उत्तर पूर्व को उत्तर कहा जाए। क्या कह दिया जाए? उत्तर कहा जाए। बोलो प्यारे बच्चों, हो जाएगा? अब आगे बोल रहा हूं, साउथ ईस्ट कार्ड वाई ईस्ट, साउथ ईस्ट कार्ड वाई ईस्ट, यानी दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए। क्या कह दिया जाए? पूर्व कहा जाए, पूर्व कहा जाए। अब बोल दे सेम सीक्वेंस कंटिन्यू, यानी यही क्रम बढ़ता रहे, यही क्रम बढ़ता रहे, तो बोला जाए कि वेयर इज साउथ, यानी दक्षिण कहां पर होगा, दक्षिण कहां पर होगा। बोलो अब प्यारे बच्चों, हो जाएगा? एक हमने डायरेक्शन शुरुआत में बताए थे, वो क्या था? ये डायरेक्शन था। बोलो इस पे जरा ध्यान दे देना। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट कार्ड वाई नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट ये होता है, यहाँ पे क्या बोल दिया गया? बोलो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या बोल दिया गया? नॉर्थ। साउथ ईस्ट कार्ड वाई, साउथ ईस्ट कार्ड वाई ईस्ट, अच्छा ईस्ट यहाँ पे होता है, ईस्ट कहाँ पे बोल दिया गया है? साउथ ईस्ट में ईस्ट हो जाता है। लो साउथ ईस्ट में ईस्ट हो गया। तो देखो प्यारे बच्चों, सब के सब 45 डिग्री क्लॉकवाइज हुआ है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब राइट हैंड, क्लॉकवाइज मतलब राइट हैंड। तो अब सब के सब बढ़ जाएंगे बेटा, यहाँ पे क्या बढ़, यहाँ साउथ होता है, साउथ कहाँ पे? यहाँ। ईस्ट यहाँ पे होता है, तो वेस्ट यहाँ पे होता है, वेस्ट कहाँ पे? यहाँ। देखो नॉर्थ के सामने क्या हो गया? साउथ। नॉर्थ के सामने क्या हो गया? साउथ। अब यहाँ पूछा गया है दक्षिण कहाँ पर होगा, तो दक्षिण कहाँ पे हो रहा है? साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में। आंसर क्या दे देंगे? साउथ वेस्ट। सेम क्वेश्चन ऐसे ही दे रहा हूं आपको, बस करना है, करेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों? देख लिया करो, थोड़ा लिख लिया करो, साउथ ईस्ट कॉल्ड बाई नॉर्थ। तैयार हैं प्यारे बच्चों आंसर देने के लिए? अगला बोल रहा हूं बेटा, साउथ वेस्ट कॉल्ड बाई ईस्ट, सेम प्रक्रम कंटिन्यू रहे, यानी सेम जो कंडीशन है वो ऐसी ही बढ़ती रहे, यही क्रम आगे बढ़ता रहे, यानी यहाँ पे ध्यान दे देना, दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए और दक्षिण पश्चिम को पूर्व कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को पूर्व कहा जाए, यही प्रक्रिया आगे जारी रहे या यही दिशाएं चेंजमेंट होते रहे। तो यहाँ पे बताना है आपको कि दक्षिण कहाँ पर होगा, तो वेयर इज द साउथ, दक्षिण कहाँ पर होगा। देखो बेटा ये फिर से मैंने बना दिया है, इस चीज़ को जरा ध्यान से पढ़। बोला गया है साउथ ईस्ट कार्ड वाई नॉर्थ, साउथ ईस्ट को क्या बोल दिया गया है? नॉर्थ। नॉर्थ के सामने क्या होता है? साउथ। बोलो नॉर्थ के सामने क्या होता है? साउथ। ईस्ट के सामने क्या होता है? वेस्ट। यहाँ पे साउथ हो रहा है, तो इस मेन डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? नॉर्थ वेस्ट। क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट। तो आंसर दे देंगे नॉर्थ वेस्ट, बस हो गया। इसको फॉलो कराने की कोई जरूरत नहीं थी, फॉलो कराने की कोई जरूरत थी नहीं थी। अगर नहीं आ रहा फिर से देख लो एक बार, ईस्ट यहाँ पे होता है, साउथ वेस्ट कॉल्ड बाय ईस्ट, साउथ वेस्ट यहाँ पे होता है, इसको क्या बोल दिया गया? ईस्ट। क्या बोल दिया गया? ईस्ट। ईस्ट के सामने क्या होता है? वेस्ट। अच्छा यहाँ पे होता है साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, इसको क्या बोल दिया गया? ईस्ट।
अब यहाँ पे ध्यान दे दो बेटा, तो यहाँ पे साउथ होता है, साउथ कितना चला गया 3.123, सभी एक एक तीन तीन पॉइंट में रोटेट हुआ, या बोल लें 135 डिग्री, क्या बोल लें 135 डिग्री। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन करना है, अब तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं, आपको कमेंट करना है उसका आंसर, सभी बच्चे कमेंट करेंगे, तैयार हो जाओ। सेम क्वेश्चन ऐसे ही दे रहा हूँ, साउथ बेस्ट कॉल्ड बाई नॉर्थ, साउथ बेस्ट कॉल्ड बाई नॉर्थ, साउथ ईस्ट कॉल्ड बाई बेस्ट, साउथ ईस्ट कॉल्ड बाई बेस्ट। तो यहीं पे क्वेश्चन बता देना है, वेयर इज द ईस्ट, वेयर इज द ईस्ट, यानी पूर्व कहाँ पर है ये बोला जा रहा है, वेयर इज द ईस्ट यानी पूर्व कहाँ पर है, बड़ा सिंपल है। अच्छा देखो ये जरा, बेस्ट कहाँ पर हो रहा है, साउथ ईस्ट के सामने, बेस्ट कहाँ पर हो रहा है इधर लिख लो, साउथ ईस्ट के सामने क्या हो रहा है, बोलो साउथ ईस्ट के सामने क्या हो रहा है, बेस्ट, बोलो हो रहा कि नहीं रहा, और ईस्ट पूछ रहा है, तो देखना साउथ ईस्ट के सामने, तो नॉर्थ बेस्ट होता है, बोलो सॉरी नॉर्थ ईस्ट होता है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन कर रहे हैं, साउथ के सामने क्या होता है नॉर्थ, बेस्ट के सामने क्या होता है ईस्ट, बेस्ट के सामने क्या होता है ईस्ट, तो यहाँ पे भी अपोजिट कर दें, क्या कर दें ईस्ट। बोलो प्यारे बच्चों हुआ या क्वेश्चन नहीं हुआ, देख लो नॉर्थ ईस्ट, साउथ बेस्ट कॉल्ड बाई बेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, जस्ट इसका अपोजिट किया तो इसका अपोजिट भी तो पूछ रहा है, बस अपोजिट कर देंगे, यही बोला जाता है साउथ ईस्ट के, साउथ बेस्ट के सामने नॉर्थ ईस्ट, बोलो सिखाया है ना, साउथ ईस्ट के सामने नॉर्थ बेस्ट, फिर से भूल गए होगे प्यारे बच्चों, इधर ध्यान दे दो, बहुत जल्दी भूल जाते हो बेटा, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के सामने साउथ बेस्ट, नॉर्थ बेस्ट, नॉर्थ वेस्ट के सामने साउथ ईस्ट। अब बोलो प्यारे बच्चों साउथ ईस्ट में क्या हो गया है बेस्ट, साउथ ईस्ट में क्या हो गया बेस्ट, तो बेस्ट के सामने क्या होता है ईस्ट, यही तो पूछ रहा है कि पूर्व कहां पर होगा, तो पूर्व कहां पर होगा नॉर्थ बेस्ट, नॉर्थ बेस्ट में। बोलो अब हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन, बोलो अब होगा क्वेश्चन कि नहीं होगा, जस्ट इसका अपोजिट है कि नहीं है, बस ऐसे ही आपको करना है, डायग्राम नहीं बनाना होता ऐसे क्वेश्चन में, थोड़ा मेहनत करो और लग जाएगा। अब नहीं क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन आगे के लेवल के बढ़ा रहा हूँ जिसमें आपको मेहनत करनी है, ठीक है, थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। देखो उसको भी कैसे करेंगे, जैसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, फिर से देख लो क्लॉकवाइज, क्या चीज़ क्लॉकवाइज, अगर बोला जाए क्लॉकवाइज तो क्या करेंगे राइट हैंड, एंटी क्लॉकवाइज बोला जाए तो क्या करेंगे लेफ्ट हैंड, बोलो याद रहेगा। अच्छा आप क्वेश्चन बोल रहा हूँ, एक व्यक्ति पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, किधर मुंह करके खड़ा है, पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, पूर्व मतलब कहाँ ईस्ट में, एक व्यक्ति ईस्ट में मुंह करके खड़ा है, वह क्लॉकवाइज 180 डिग्री घूमता है, कैसा घूम रहा है 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज मतलब हमने लिख दिया CW यानी क्लॉकवाइज, याद रहेगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब राइट हैंड, ये भी देख लो एक, फिर उसके बाद वह 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, कितना घूमता है 45 डिग्री और क्लॉकवाइज घूमता है, अब उसका मुख किधर है, क्लॉकवाइज कितना डिग्री 45 डिग्री, अब उसका मुख किस दिशा में है यानी राइट हैंड, बोलो बेटा आएगा, लो एक बार हमने ये प्लस दिखा दिया डायग्राम, नहीं तो मैं ऐसे ही आंसर कर देता, नॉर्थ ई नॉर्थ बेस्ट आंसर हो जाता, कितना नॉर्थ बेस्ट। इधर ध्यान दो, व्यक्ति कहाँ पर है ईस्ट में, और कितना घूम रहा है क्लॉकवाइज 180 डिग्री, मतलब राइट हैंड, कितना राइट हैंड 180 की ये सीधी लाइन, अब इसके बाद वो क्लॉकवाइज कितना चल रहा है 45 डिग्री, तो कितना और चला दें इतना, इस दिशा में आ गया, अब उसका मुख कौन सी दिशा में है नॉर्थ वेस्ट में, बोलो प्यारे बच्चों कुछ नया मिल रहा आज, मेहनत कर रहे हैं ना हमारे साथ में, कुछ नया मिलेगा आपको क्लास से, कुछ ना कुछ नए देंगे आपको, अब तो ये हो जाएगा। चलो फिर से एक क्वेश्चन ले रहा हूँ बेटा, यहाँ पे ध्यान दे देना, एक व्यक्ति पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, कहाँ मुंह करके खड़ा है ईस्ट में, उसका फेस है, वो 100 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, 100 डिग्री कैसा घूम रहा है क्लॉकवाइज, 100 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, फिर एंटी 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होता है, कैसा हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है, अब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया हूँ, एक व्यक्ति आया हुआ है UPSI की बात कर रहा हूँ, UPSI 2018 जो एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ था उसका प्रैक्टिस सेट उठाओ, और ऑनलाइन के एग्ज़ाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है,
एक व्यक्ति पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, वह दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त 100 डिग्री जाता है और फिर एंटी क्लॉकवाइज 145 डिग्री जाता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? बताने वालों बच्चों ने आंसर दे दिया है। कौन सी दिशा? नॉर्थ ईस्ट। कौन सी दिशा? नॉर्थ ईस्ट। जरा ध्यान दो इधर, ये प्लस का निशान बना दिया, ये दिशा कौन सी है? ईस्ट। बोलो, हमने कहा था प्लस का निशान नहीं भूलेंगे। ये कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। 10 डिग्री और बना लो, इतना कितना है? यहाँ से यहाँ कितना डिग्री हो गया? 100 डिग्री। अब उसको पहले तो वो क्लॉकवाइज आया, कैसा आया? क्लॉकवाइज मतलब राइट हैंड, क्लॉकवाइज मतलब राइट हैंड। अब एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से उसे एंटी क्लॉकवाइज जाना है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट हैंड। अब लेफ्ट हैंड से कितना जाना? 145 डिग्री, 100 डिग्री तो वापस आ गया, 45 डिग्री और उसको चला दो, तो ये कौन सी दिशा हो गई? नॉर्थ ईस्ट। बोलो प्यारे बच्चों, ये आ गया ना समझ में? ठीक है, जब आ गया हो तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थोड़ा मेरे साथ मेहनत करो बेटा, सब लोग मेहनत करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर भी करो, करेंगे ना? इसके आज शैडो वाले नहीं बता रहा हूँ, पार्ट टू में शैडो वाला जरूर दिखाऊंगा। अब देखो प्यारे बच्चों, यूनिट के कैसे क्वेश्चन करते हैं, कैसे यूनिट के, यानी जिसमें डिस्टेंस पूछी जाए। यहाँ पे ध्यान दे देना, एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, वो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और बराबर किसके? कर्ण के स्क्वायर के बराबर। किसके? कर्ण के स्क्वायर के बराबर। याद रहेगा बेटा, कर्ण के स्क्वायर के बराबर। बोलो प्यारे बच्चों, याद रहेगा? पाइथागोरस प्रमेय होती है ये, बस इसकी यूनिट जो याद रखेगा, कभी भी क्वेश्चन फंस जाए तो डायरेक्ट अपना यूनिट पे लगा दो, डायरेक्ट अपना यूनिट पे क्वेश्चन लगा देना। जैसे यहाँ देखो 3, 4, 5 याद रहेगा प्यारे बच्चों। अब कैसे आता है ये एक बता दूंगा। एक व्यक्ति नॉर्थ में 3 मीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, 4 मीटर जाता है, यहाँ से तो वो चला था और यहाँ पहुँच गया। फिर से सुन लो, ए मैन फेस नॉर्थ बाक 2-3 मीटर, ही टर्न राइट फोर मीटर, स्टार्टिंग पॉइंट एंड बिटवीन टू इंड पॉइंट बिटवीन टू डिस्टेंस, यानी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की दूरी कौन सी है और दिशा कौन सी है? तो ये है 3, ये है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को ऐड कर दिया, कितना हो गया? 25। अब 25 किसका होता है? 5 का, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाती है? 5। बोलो याद रहेगा प्यारे बच्चों, इसको लिख लो, उसी से ये ट्रिपलिप बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? ट्रिपलिप बोलते हैं। आपने मैथ में भी पढ़ा होगा, ठीक है, मैथ के बाद आप अभी और अर्थमेटिक में भी पढ़ेंगे, एडवांस में भी पढ़ेंगे, जब मेंसुरेशन शुरुआत है आपकी तब भी पढ़ते हैं। ठीक है नितेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद, इनका थोड़ा ये करवा दीजिएगा, इनको ट्रिपलिप याद हो जाए भाई ये पहलू। ठीक है, आगे बोल कर रहा हूँ, 3, 4, 5, बोलो तैयार रहेगा? 5, 12, 13, बोलो ऐसे ही डायरेक्ट करेंगे, 6, 8, 10, अच्छा 9, 12, 15, बेटा ये जरूर लिख लेना, ठीक है, 8, 15, 17, बोलो बेटा 7, 24, 25, याद रहेगा 20, 21, 29, इतनी डिजिट याद कर लो, बस यहाँ तक तो आपका आया हुआ है, यहाँ तक तो आया हुआ है। अब फिर से देखो 3, 4, 5, 5, 12, 13, 6, 8, 10, 9, 12, 15, 8, 15, 17, 7, 21, 25, 20, 21, 9, इसको जरूर याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। अगर याद कर लोगे तो मैं अभी क्वेश्चन बोलूँगा, आप बहुत आसानी से करना शुरू कर दोगे। आज जो शुरुआत में कॉन्सेप्ट दिया हूँ ना, बहुत धांसु कॉन्सेप्ट दे दिया हूँ, उस पर जब क्वेश्चन कराऊँगा ना क्लास में, तब आपको लगेगा कि हाँ स्पीड आ रही, रियल में 3-3 सेकेंड में क्वेश्चन हो रहा है। क्वेश्चन पढ़ा नहीं जाता है, डायरेक्शन बनाया नहीं जाता है, आंसर हो जाता है। कैसे होता है? बस इसको याद करने से होता है। किसको? इसको याद करने से होता है बेटा। जब इस पे मेहनत करेंगे आप लोग, तभी आगे सफल हो पाएंगे। अब देखो इस पे 2-3 क्वेश्चन ले रहा हूं, फिर आपका शैडो वाला भी आज ही खत्म कर देना है और इसकी पीडीएफ बन जाएगी, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। बेटा सब लोग टेलीग्राम चैनल पे रीजनिंग वाई, कौन सा रीजनिंग वाई
कुर्सी सर, बेटा ये चीज़ डाल के सब लोग सर्च कर लो और जुड़ जाओ, क्योंकि हर लेसन की पीडीएफ मैं वहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। रीजनिंग वाई कुर्सी सर, ये आप टेलीग्राम चैनल पे, किस पे, टेलीग्राम पे आप बेटा सब लोग इसको सर्च करके इसमें जुड़ जाओ टेलीग्राम पे, और जब इसमें जुड़ जाओगे तो हर लेसन की पीडीएफ इसमें ज़रूर मिलेगी। आप मेहनत करो, पीडीएफ से क्वेश्चन लगाओ, नहीं होता है फिर से हमसे पूछो, हम ज़रूर आपके साथ खड़े हैं। आप हमारे साथ मेहनत कर रहे हो, हम आपके साथ भी मेहनत करेंगे। लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी करो, शेयर जरूर कर दिया करो वीडियो। अब देखो यही यूनिट वाले क्वेश्चन उठा रहा हूँ बेटा, यूनिट वाले क्वेश्चन पे ध्यान दे दो, जो यूनिट हमने ये बताई है इस पे थोड़ा मेहनत कर लो। फिर से एक बार पढ़ा रहा हूँ, अपने मन में वीडियो को देखते रहो और मेरे साथ मेहनत करते रहो। हाँ ज़रूर मेहनत करो मेरे साथ में। लेकिन बहुत लोग कमेंट करते हैं ना कि सर नाम लिया करो, पहले बोल रहा हूँ नाम लूँगा लेकिन जो अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। अभी कुछ कंडीशन है इसीलिए नहीं बोलता हूँ, नाम बोलना शुरू करूँगा तो आप जितने लोग हो सबके नाम बोलूँगा, ठीक है, बिल्कुल बोलूँगा, नाम लूँगा। आप लोग आते हो चले जाते हो, थोड़ा मेहनत करो मेरे साथ। 3 4 5 बोलो मेरे साथ, 3 4 5 5 12 13 6 8 10 9 12 15 8 15 17 7 24 25 20 21 29 जब इसको 2-3 बार पढ़ लोगे तो आपका इसमें काम हो जाना है, मेहनत हो जानी है, यानी सफल हो जानी है, जीवन सफल हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, हाँ हाँ बेटा हो जाएगा जरूर, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, बस यहाँ पे मेहनत दिखा दो आज आप लोग, ठीक है, मेहनत करनी है आपको। क्वेश्चन ले रहा हूँ, ए मैन फेस नो नॉर्थ टू वर्ड 3 मीटर, ए मैन फेस नो नॉर्थ टू वर्ड 3 मीटर, ही टर्न राइट 8 मीटर, ही टर्न लेफ्ट 3 मीटर, बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट बिटवीन टू डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, दोनों चीजें बोल दिया हूं, ठीक है। फिर से अब हिंदी में बोले दे रहा हूं बेटा, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 3 मीटर जाता है, कितना मीटर जाता है 3 मीटर, दाएं मुड़ता है 8 मीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है 3 मीटर जाता है, प्रारंभिक बिंदु से वह कौन सी दिशा में है और कितनी दूरी पर है। देखो एक व्यक्ति है, ये नॉर्थ है, नॉर्थ में जाता है 3 मीटर, फिर अपने राइट हैंड होता है जाता है 8 मीटर, फिर लेफ्ट हैंड होता है और जाता है 3 मीटर। इस पॉइंट से उस इंसान को यहाँ तक पहुँचने में कितनी दूरी, सीधी दूरी पूछ रहा है और दिशा पूछ रहा है। अभी ध्यान दो, प्लस का निशान मैंने बताया था ना, यह ऐसे प्लस का निशान, ये डायरेक्शन कौन सा होता है नॉर्थ ईस्ट, डायरेक्शन कौन सा है नॉर्थ ईस्ट, ये तो सबका कंप्लीट है। अभी कुछ डायरेक्शन के क्वेश्चन दूंगा और एंगल बना के पूछूंगा, देखेंगे आप लोग दिशा बताएंगे या नहीं बता पाएंगे। इधर ध्यान दे दो इस क्वेश्चन पे, जब हम इसको डॉट डॉट करेंगे सबको लगाएंगे। देखो यहाँ से तो उत्तर में 3 जाता है 3 मीटर, राइट हैंड होता है 8 मीटर जाता है, फिर लेफ्ट हैंड होता है 3 मीटर जाता है। अब देखो जरा क्वेश्चन, अगर हम सपोज करें ये अगर सही बनाएंगे तो ये भी 4 हो जाएगी, ये भी 4 हो जाएगी, बोलो। और 4 और 3 कितना भी बताए, 3 4 5 बोलो, 3 और 4 5 तो ये कितनी होगी 5 5 10 मीटर, कितने मीटर 10 मीटर नॉर्थ ईस्ट, 10 मीटर उत्तर पूर्व, बोलो लग जाएगा। अभी नहीं आया होगा समझ में, ठीक है, नहीं आया एक बार देख लो, फिर से बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को बेटा, मेहनत करो, रिपीट करूँगा क्वेश्चन भी बता दूंगा। देखो इधर, एक व्यक्ति उत्तर में कितना जाता है, एक व्यक्ति उत्तर में जाता है 3 मीटर, फिर वो अपने राइट हैंड होता है जाता है 8 मीटर, फिर वह लेफ्ट हैंड मुड़ता है और जाता है 3 मीटर। अब देखो पहले उत्तर में 3 गया, फिर राइट हुआ, फिर लेफ्ट हुआ। अब ध्यान दे दो बेटा, अगर ये हम डॉट डॉट लगा दें और ये भी डॉट डॉट लगा दें तो ये 8 है तो सामने वाली 8 होगी भुजा, ये 3 है तो ये भी 3 होगी, ये 3 है तो यहाँ से ये हमने पूरा ये सर्कल बना दिया, एक लाइन, कितना 6 डिग्री 6 मीटर, ये कितनी है 8 मीटर। अभी हमने बताया था 6 और 8 कितना मीटर 10 मीटर, बोलो किसका, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर, इसके। तो देखो 8 का प्लस 6 का हमें क्या करना है स्क्वायर, 64 प्लस 36 हो गया 100, आंसर आ गया कितना, रूट के बाहर अगर लिखेंगे तो 10 मीटर, कौन सा 10 मीटर। एक सेम क्वेश्चन ऐसे ही बोल रहा हूँ, सेम ऐसे ही बोल रहा हूँ, एक व्यक्ति साउथ में 6 मीटर जाता है,
एक व्यक्ति साउथ में 6 मीटर जाता है, फिर लेफ्ट हैंड, फिर वह अपने बाएं मुड़ता है और 9 मीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है 9 मीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है 6 मीटर जाता है, दाहिने यानी राइट हैंड जाता है 6 मीटर जाता है, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? लो क्वेश्चन बेटा, हाँ कमेंट में आंसर दो। ए मैन फेस नॉट वॉक 2-6 मीटर, ही टर्न लेफ्ट 9 मीटर, ही टर्न राइट 6 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस स्टार्टिंग पॉइंट बिटवीन टू एंड पॉइंट। अब देखो जरा ध्यान से, एक व्यक्ति दक्षिण में एक पॉइंट बना दिया, साउथ कहाँ होता है? नीचे। कितना जाता है? 6 मीटर। फिर वह अपने लेफ्ट हैंड, मैंने पहले बताया था लेफ्ट हैंड यानी एंटी क्लॉकवाइज, कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। इधर कितना जाता है? 9 मीटर जाता है। फिर वह अपने राइट हैंड पे कितना जाता है? जल्दी बोलो, 6 मीटर जाता है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की वो दूरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? दूरी। अब देखो बेटा, वही चीज़ कर लो, ये डॉट डॉट लगाओ, ये भी अगर हमने डॉट डॉट लगा दिया, सामने वाली 9 है तो ये भी कितना 9, ये 6 है तो ये भी कितना 6, 6 और 6 कितना हो गया 12, और ये कितना है 9, तो 9, 12 कितना भी आंसर बताएं 15। बोलो बेटा आया नहीं आया? अच्छा ठीक है, इसको देख लो, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, दोनों को ऐड कर दो कितना 225, 225 किसका होता है? 15 का होता है बेटा। अब तो आ गया होगा, बोलो अब तो आ गया। नहीं आया तो एक क्वेश्चन और देख लो, एक क्वेश्चन और देख लो। एक व्यक्ति पूर्व में 8 मीटर जाता है, यानी ए मैन वॉक टू ईस्ट 8 मीटर, एक व्यक्ति पूर्व में कितना जाता है? 8 मीटर जाता है। ही टर्न राइट वॉक टू 6 मीटर, वह अपने दाएं मुड़ता है और 6 मीटर जाता है। कितना जाता है? 6 मीटर। यहाँ से उसकी दूरी निकालनी है, कितनी दूरी निकालनी है? तो ये 8 है, ये 6 है, ये कितनी आ जाएगी? जल्दी बोलो, 10। अगर यहीं से दिशा पूछ देता है, दिशा पूछ देगा तो ये डायरेक्शन में, ये दिशा कौन सी होती है? साउथ ईस्ट। कौन सी दिशा होती है? साउथ ईस्ट। बोलो याद रहेगा प्यारे बच्चों, साउथ ईस्ट। इसके क्वेश्चन आज आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है? टेलीग्राम को ज्वाइन करो, वहाँ सारा डायरेक्शन का मिलेगा, ठीक है बेटा? बस मेहनत करोगे तभी होगा। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, बहुत आसानी से करना है। ए मैन, ठीक है हिंदी में सुन लो, एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व में 17 मीटर जाता है, यानी साउथ ईस्ट वॉक टू 17 मीटर। ये पॉइंट ले लिया और यहीं पे हमने दिखा दिया, ये 17 मीटर गया है साउथ ईस्ट में, दिखा दिया। ही टर्न ईस्ट 15 मीटर। कितना मीटर? 15 मीटर। अब निकालना है स्टार्टिंग पॉइंट बिटवीन टू एंड पॉइंट डिस्टेंस। ये 15 है बेटा और ये 17 है, और चला यहाँ से था दक्षिण पूर्व में, फिर पश्चिम की ओर आया 15 मीटर। दक्षिण पूर्व में जाता 17 और पश्चिम में जाता है 15। ये दूरी निकालनी है। एक हमने ट्रिपलिंग में बताया होगा, 8, 15 कितना? 17। तो ये है 17, 15, ये कितनी? 8। बोलो आया ये नहीं आया समझ में? हाँ आ गया। अगर ये देखें 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? हाइपरटेंशन, जिसको बोलते हैं कर्ण। अब इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, बोलो ये करेंगे तो 289 से माइनस 225 कर दिया तो कितना आ गया बेटा? जल्दी बोलो, 225। आंसर आ गया 64। किसका स्क्वायर होता है? 8 का। अब तो प्यारे बच्चों आ रहा होगा ना, थोड़ी मेहनत करो बस मेरे साथ में, जब मेहनत करोगे तभी लगेगा। एक टाइप छोड़ रहा हूँ आपका, शैडो वाला। कौन सा? शैडो वाला। और क्वेश्चन वो आपका टाइप नंबर किसमें, टाइप पार्ट नंबर किसमें दूंगा? सेकेंड में दूंगा। उस क्वेश्चन को बहुत मेहनत से करना है। कौन सा? पार्ट नंबर 2। इसका इंतजार करो और मेहनत करो मेरे साथ। आज जितना भी पढ़ाए हैं आपको, पहले बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया हूँ, उसमें आप मेहनत करो मेरे साथ में। मेहनत करोगे आपके क्वेश्चन लगेंगे, उस चीज़ को ओरल सीख लेना है और मेहनत करनी है, ठीक है? ओरल सीखना है। डायरेक्शन की मैं फिर से एक बात कर रहा हूँ, आपको मेहनत कहाँ कहाँ करनी है और कितना जल्दी आपको लगाना है क्वेश्चन को।
ये आप याद रखेंगे, एक ये चीज़ ट्रिपलिप, फिर से बता रहा हूँ ट्रिपलिप याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन आता है जैसे आपने डायरेक्शन ना बना पाए। ट्रिपलिप का क्वेश्चन है यानी ये आधा लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और कर्ण का स्क्वायर, इस पर थोड़ा फोकस कर लेना। सेम यूनिट अधिकतर ये मिलेगी या ये मिलेगी, ये मिलती है और ये भी आती है बहुत इमिडिएटली में। अगर इनके आगे जीरो भी लगा दिया जाए तो क्या करेंगे, 30, 40, 50, बोलो याद रहेगा, 60, 80, 100, ऐसे यूनिट बढ़ जाती है, वहाँ पे डरना नहीं है। 90, 120, 150, बोलो याद रहेगा। और बात कर रहे हैं जो आपने पहले सीखा है उसकी बात कर रहे हैं कि आपको ये डायरेक्शन याद रखनी है हर हाल में, आप इस डायरेक्शन को भूलेंगे नहीं बिल्कुल ही। किसको, ये वाली डायरेक्शन, मैं यहाँ पे फिर से बात कर रहा हूँ, जिसने इस डायरेक्शन पे मेहनत कर ले, अच्छा साफ नहीं दिख रहा है फिर से बता के चल रहा हूँ, इधर ध्यान दे दो, इस डायरेक्शन को जिसने कंप्लीट कर रखा है वो बहुत आसानी से मेरे साथ कर ले जाएगा, आराम से एग्ज़ाम निकाल लेगा। साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, अब मेरे साथ थोड़ी मेहनत कर लो, नॉर्थ ईस्ट के सामने साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट के सामने साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट के सामने नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट के सामने नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट के सामने साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट के साथ नॉर्थ वेस्ट के सामने साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के सामने साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट के सामने नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ के सामने साउथ, वेस्ट के सामने ईस्ट, बोलो याद रहेगा, बोलो याद रहेगा प्यारे बच्चों, फिर से ध्यान दे दो। अगर यहीं पे हम घड़ी में दिखा दें क्वेश्चन तो कैसे करते हैं वो और देख लो जल्दी से। बस अगर कोई भी व्यक्ति फेस किए कहाँ पे, नॉर्थ में, तो उसको बोला जाए क्लॉकवाइज, मतलब राइट हैंड, क्या राइट हैंड। अगर कोई भी व्यक्ति ईस्ट में फेस किए है बोला जाए राइट हैंड, तो मतलब क्लॉकवाइज, कैसा, घड़ी की दिशा में। घड़ी की सुइयाँ यूँ ही तो चलती हैं, यूँ चलती हैं घड़ी की सुइयाँ, बोलो चलती हैं कि नहीं चलती हैं। यहीं पे तो 12 लिखा होता है, एंटी क्लॉकवाइज यूँ कर देंगे, एंटी क्लॉकवाइज यूँ कर देंगे, तो क्लॉकवाइज यहाँ पे ध्यान दो, क्लॉकवाइज राइट हैंड, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट हैंड, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट हैंड, बोलो ऐसे लग जाएगा जब भी डिग्री ज़्यादा दिया जाए, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट हैंड, याद रखें क्लॉकवाइज राइट हैंड, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट हैंड। और बस आपको डायरेक्शन याद रखनी है यहाँ से, कैसे, इधर ध्यान दो, फिर से एक बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट के सामने, जल्दी बोलो नॉर्थ वेस्ट के सामने, यहाँ पे रटना है सबको, नॉर्थ वेस्ट के सामने साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के सामने, जल्दी बोलो साउथ वेस्ट, बोलो याद रहेगा। आज आप मेहनत करो डायरेक्शन पे, मैं PDF सेंड कर दूंगा, ठीक है, आज के लिए इतना ही, जय हिंद, गुड नाइट।